Morning students, Jai Hind to all and welcome again in our GK class. So now students, today I will teach you about new topic numbers and logical skills. Okay, now start with me. What is the day today? 18th July 2020 and day is Saturday. And our content is numbers and logical skills. And our topic is opposite words. Okay student, आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ अपोजिट वर्ड के बारे में. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल शो यू समथिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक अपोजिट वर्ड्स. ओके, नाउ स्टार्ट विद मी. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टू फेविकोल्स. ओके, देखो मेरे पास दो फेविकोल्स हैं. अब आपको बताना है इनको देख के कि आप देख के क्या समझ पा रहे हैं. ओके, सी दिस फेविकोल्स. नाउ this is big fevicol and this is small fevicol. So our first concept is big and big ka opposite word kya ho gaya? Small. So it is big and it is small. Okay, fine beta. Now I have two things again. This is feather and this is a diary. ओके, तो आपने बेटा फैदर देखा होगा घर में. आपके पास भी वो घर में होते हैं मोस्टली. और डायरी आप दोनों को हाथ में लेके देखेंगे, हैंड से लेके देखेंगे, विच वन इज हैवी एंड विच वन इज लाइटर. ओके, सो दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट. ओके, तो नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट इज लाइट एंड हैवी. सो फैदर इज वेरी लाइट एंड दिस डायरी इज हैवी वेट. ओके, लाइट हैवी. फाइन बेटा. नाउ स्टूडेंट्स, आई हैव टू रेजर्स. मेरे पास ये टू रेजर्स हैं जो कि एक बॉक्स के अंदर है. ओके, दीज आर टू रेजर्स इन अ बॉक्स. ओके, नाउ सीरीज. सो मैं अब क्या करूंगी, इसमें से एक रेजर को इस बॉक्स में से बाहर रख दूंगी. दैट मीन्स आई पुट अ रेजर आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, सो इट इज इन द बॉक्स एंड इट इज आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा नेक्स्ट, इन एंड आउट. दिस इरेजर इज इन द बॉक्स एंड आउट. दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज इन आउट. फाइन बेटा. नाउ बेटा सी दिस, आई हैव टू पेंसिल्स. ओके, दीज आर द टू पेंसिल्स. तो आप इन पेंसिल्स को देखकर आपको क्या लग रहा है बेटा, सोचो. नाउ this is long pencil and this is short pencil. Okay, so our next word is long. This pencil is long. Okay, now short, long ka opposite kya hota hai, short, and this is short pencil. Okay, the concept is long and short. Okay, see short, what is the difference, long and short. Okay, now first opposite word is big. बिग का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल. सेकेंड इज लाइट. लाइट का अपोजिट क्या होता हैवी. एंड थर्ड इज इन. इन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, आउट. एंड फोर्थ इज लॉन्ग. लॉन्ग का अपोजिट वर्ड क्या होता है, शॉर्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव अ कटर. ओके, सी दिस. नाउ अप डाउन, अप डाउन. तो आप इससे बेटा क्या देख रहे हैं कि मैंने इस नाइफ को, इस कटर की नाइफ को ऊपर किया है तो क्या हो गया ये अप, और अब मैं इसको नीचे कर रही हूं तो क्या हो गया डाउन. सो आवर नेक्स्ट वर्ड कॉन्सेप्ट इज अप डाउन, अप डाउन. ओके, अप डाउन. फाइन, सो नेक्स्ट इज अप एंड अप का अपोजिट वर्ड क्या होता है, डाउन. फाइन बेटा, दिस इज अप and this is down. Okay, up down. Fine, I have a foam. Okay, sponge like this. This is very soft
and I have some shells. Okay, now this is these are very hard. Like this, बेटा देखो ये बहुत hard होता है और ये form देखा है बेटा आप देखो इसको मैं ऐसे कैसे भी मोड़ पा रही हूँ that means ये बहुत ही soft है. So हमारा next word क्या हो गया? Soft. Soft like this. Soft कैसे होते बेटा? इस form की तरह soft. Okay? और soft का opposite word क्या होता है? Hard. Okay? Hard like this बेटा. शेल्स को देखो ये बहुत ही हार्ड होती है, इनको हम नहीं मोड़ पा रहे हैं लेकिन हम स्पंज को मोड़ पा रहे हैं. तो ये हो गया सॉफ्ट और ये हो गया हमारा हार्ड. ओके बेटा, नाउ आई हैव टू सेलो टेप्स. ओके, मेरे पास ये दो सेलो टेप्स हैं. अब हमको इनको देख के बताना है कि किस तरह से इनकी विथ है. ओके, लाइक दिस बेटा, आई हैव वन सेलो टेप. इसकी विथ कितनी है बेटा? देखो इसकी विथ कैसी है, ये बहुत पतली है ना. और ये वाली टेप देखो इसकी विथ कैसी है बेटा, ये बहुत ही बड़ी है, दैट मीन्स की विथ है चौड़ी. ओके राइट बेटा, तो वाइड दैट मीन्स. तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया? नैरो. नैरो मीन्स पतली. ओके लाइक दिस, ये बहुत ही पतली सी सेलो टेप है. ओके, और नाउ नेक्स्ट इज नैरो का अपोजिट क्या हो गया हमारा? वाइड. वाइड That means ये वाली सेलो टेप हमारी कितनी है बेटा? बिग, इतनी चौड़ी है हमारी ये. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज नैरो वाइड. ओके बेटा, आप डिफरेंस देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? नैरो ये वाली सेलो टेप बहुत ही नैरो है और ये वाली सेलो टेप जो है बहुत ही वाइड है. फाइन बेटा, आई हैव टू ज्योमेट्री बॉक्स. मेरे पास ये दो ज्योमेट्री बॉक्स है. ओके, सो आई विल ओपन इट. मैं इसको ओपन करूंगी लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज क्लोज. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ओपन क्लोज. ये वाला जो हमारा बॉक्स है मैंने इसको ज्योमेट्री बॉक्स को क्या किया है? ओपन किया है. और इस वाले ज्योमेट्री बॉक्स मैंने ओपन नहीं करा है. सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ओपन एंड क्लोज. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ओपन लाइक दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ओपन का अपोजिट वर्ड क्या हो गया हमारा? क्लोज लाइक दिस. ओके, ये दोनों पेंसिल बॉक्स हैं, एक ओपन है और एक क्लोज है. फाइन, रिपीट. आपका अपोजिट वर्ड क्या होते हैं बेटा? डाउन. सॉफ्ट, हार्ड, नैरो, वाइड, ओपन, क्लोज. ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, स्टूडेंट्स दीज आर टू थिंग्स. ओके, दिस इज हनी एंड दिस इज लेमन. ओके, ये बेटा हनी है और ये लेमन है. तो आपको बेटा देख के बताना है कि इसमें आप क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं हनी और लेमन के अंदर. हनी टेस्ट में कैसा होता है? हनी अच्छा लगता है ना खाने में आपको? कैसा होता है हनी का टेस्ट? स्वीट. व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हनी? स्वीट. ओके, और लेमन, लेमन का टेस्ट क्या होता है? सोर. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बेटा? स्वीट, स्वीट हनी. और स्वीट का अपोजिट क्या होता है? सोर. ओके, क्योंकि लेमन खट्टा होता है और उसको बोलते हैं सोर. तो स्वीट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? सोर. बेटा दीज आर टू मार्क्स. ओके, दीज आर टू मार्क्स. अभी देखो दोनों मार्क्स खाली हैं. ओके, एम्प्टी हैं. ओके, नाउ फर्स्ट वन इज एम्प्टी और नाउ सेकंड वन. अब मैं इसमें कुछ वाटर डाल देती हूँ. आई हैव पुट सम वाटर. ओके, नाउ अब क्या होगी बेटा? दिस इज एम्प्टी एंड दिस इज फुल ऑफ वाटर. सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया? एम्प्टी एंड फुल. तो हमारा एम्प्टी का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? फुल. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्टी लाइक दिस. एम्प्टी ये मग कैसे बेटा? खाली है. एम्प्टी मीन्स खाली. ओके, एंड एम्प्टी का अपोजिट वर्ड क्या होता है? फुल लाइक दिस. ये वाला मग हमारा कैसे है? फुल ऑफ वॉटर. ओके, नाउ एम्प्टी फुल. ओके, नाउ बेटा आई हैव टू हैंकीज. ओके, मेरे पास ये दो हैंकी है एंड अ कप ऑफ वाटर. और मेरे पास एक कप में कुछ वाटर है. ओके, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास जो हैंकीज हैं, देखो ये अभी ड्राई हैंकी है और इसमें से एक हैंकी को मैं अगर इसके अंदर डिप कर देती हूँ, वाटर के अंदर डिप कर देती हूँ लाइक दिस बेटा. मैंने इस हैंकी को इस वाटर में डिप कर दिया है. फाइन, ओके, अब मैं इसको बाहर निकालूंगी फिर लाइक दिस. सो बेटा ये कैसे हो गया है? वेट. वेट मीन्स गीला. ओके, सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेट एंड ड्राई. दिस इज वेट.
ओके हमारा ये वाला क्लोथ ये एंकी कैसे हो गया वेट यानी कि गीला और ये वाला हमारा एंकी जो कैसे हो गया ड्राई ओके सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेट दैट मीन्स गीला और इसका अपोजिट वर्ड क्या हो गया वेट का हमारा ड्राई ड्राई मीन्स सूखा ओके तो वेट का अपोजिट वर्ड क्या होता है ड्राई लाइक दिस दिस इज वेट एंड दिस इज ड्राई ओके हाँ बेटा मेरे पास ये एक्सटेंशन बोर्ड है और इसमें एक स्विच है ओके सो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे इसको अभी मैंने इसको ऊपर कर दिया तो क्या हो गया ऑफ हो गया ये स्विच क्या हो गया हमारा ऑफ और अभी मैंने इसको इस तरह से नीचे कर दिया तो हमारा स्विच क्या हो गया ऑन सो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ ओके बेटा सो नेक्स्ट वर्ड इज ऑन लाइक दिस ऑन ओके नाउ ऑन का अपोजिट वर्ड क्या होता है ऑफ लाइक दिस ऑफ ओके सो ऑन ऑफ ऑन का अपोजिट वर्ड ऑफ ओके अगेन आई विल रिपीट स्वीट सो एम्प्टी फुल वेट ड्राई ऑन ऑफ ओके सो नाउ बेटा टेक आउट योर जीके बुक एंड ओपन पेज नंबर 13 ओके योर पेज नंबर 13 नाउ राइट डाउन द डेट व्हाट इज द डेट टुडे बेटा 18th September 2020 एंड राइट डाउन हियर क्लास वर्क ओके एंड आवर टॉपिक इज अपोजिट्स जैसे कि मैंने अभी आपको अपोजिट्स के बारे में समझाया है ना अब हम इसके बारे में यहाँ पे बुक में वर्क करेंगे ओके नाउ रीड विद मी लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द हैड बॉक्स गिवन ब्लो ओके बेटा सी दिस पिक ओके नाउ फर्स्ट वर्ड इज हार्ड अभी मैंने आपको क्या समझाया था हार्ड का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा सी दिस पिक्चर्स दिस इज प्लो एंड दिस इज पेबल्स सो इन दोनों में से कौन सा हार्ड हो गया पेबल्स ओके एंड प्लो क्या हो गया सॉफ्ट सो वी राइट डाउन हियर सॉफ्ट एस ओ एफ टी सॉफ्ट ओके नाउ आवर सेकेंड वर्ड इज डे ओके एंड डे का अपोजिट वर्ड क्या हो गया बेटा दिस इज द पिक्चर ऑफ डे एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ नाइट जब हमारे सनशाइन होता है जब तो कौन सा होता है डे टाइम होता है और जब मून निकलता है तो कौन सा टाइम होता है नाइट टाइम होता है ओके तो डे का अपोजिट क्या हो गया बेटा नाइट लाइक दिस ओके नाउ नाउ थर्ड वर्ड इज शोर शोर का अपोजिट वर्ड क्या होता है दीज आर टू पिक्चर्स लेमन लेमन का टेस्ट कैसा होता है शोर यानी कि खट्टा और दीज आर कैंडीज कैंडीज का कैसा होता है बेटा टेस्ट स्वीट सो शोर का हमारा क्या अपोजिट वर्ड हो गया स्वीट फाइन नाउ फोर्थ वर्ड इज लाउड एल ओ यू डी लाउड यानी कि जोर से बोलना ओके और इसका लाउड का क्या हो गया अपोजिट वर्ड क्वाइट ओके सी दिस पिक्चर्स लाउड क्वाइट क्यू यू आई ई टी क्वाइट ओके बेटा नाउ फिफ्थ वन इज लाइट लाइट का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा दीज आर टू पिक्स ओके इन वन पिक दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट ओके बेटा सो लाइट का हमारा अपोजिट वर्ड क्या हो गया हैवी फाइन नाउ सिक्स नंबर इज हॉट हॉट मीन्स गरम इसका तो आपको पता ही होगा ये देखो पिक्चर देखिए यहाँ पे दिस इज आइसक्रीम ओके दीज आर आइसक्रीम्स एंड दिस इज अ कप ऑफ हॉट वाटर हॉट कप ऑफ टी ओके सो हॉट का हमारा क्या हो गया कोल्ड आइसक्रीम्स कैसी होती है कोल्ड यानी कि बहुत चिल्ड ठंडी होती है तो हॉट का अपोजिट वर्ड क्या हो गया हमारा कोल्ड नाउ डिड दिस बेटा दीज आर माय राइट लेग्स एंड दीज आर माय लेफ्ट लेग्स तो यहाँ पे हमारा क्या वर्ड आया गया राइट और राइट का अपोजिट वर्ड क्या आ गया लेफ्ट ओके बेटा सो दिस इज योर बुक पेज नंबर 13 सो यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर बुक ओके फाइन बेटा नाउ बेटा लेट्स लर्न अपोजिट वर्ड्स अगेन ओके अपोजिट्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग ओके नाउ जिन फर्स्ट वर्ड इज एम्प्टी फुल क्लीन डर्टी नाउ दिस इज क्लीन डर्टी नाउ थर्ड वर्ड इज ड्राई वेट ड्राई का अपोजिट वर्ड वेट नाउ स्वीट
सॉर, स्वीट का अपोजिट वर्ड सॉर। नाउ बिग स्मॉल, बिग का अपोजिट वर्ड क्या होता है स्मॉल। स्टॉप गो, स्टॉप का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा गो। नाउ हैप्पी सैड, हैप्पी मीन्स खुश होना, सैड मीन्स दुखी होना, हैप्पी का अपोजिट वर्ड सैड। नाउ ऑन ऑफ, ऑन का अपोजिट क्या होता है ऑफ, जैसे मैंने आपको दिखाया पहले। नाउ अंडर ओवर, नीचे ऊपर, अप डाउन, अप का अपोजिट वर्ड डाउन। इन आउट, अंदर बाहर, इनका अपोजिट वर्ड होता है आउट। हॉट कोल्ड, गरम ठंडा। नाइन बॉय गर्ल, बॉय का अपोजिट क्या होता है बेटा गर्ल। क्वाइट लाउड, यानी कि चुप रहना और जोर से शोर करके बोलना, ओके क्वाइट लाउड। थिन फैट, पतला मोटा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वीक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स कमजोर, ओके। नाउ राइट रॉन्ग, राइट का अपोजिट वर्ड क्या होता है रॉन्ग। हाई लो, हाई मीन्स ऊंचा, लो मीन्स नीचे, ओके। हाई लो। यंग ओल्ड, यंग का अपोजिट वर्ड होता है ओल्ड। ओपन क्लोज, ओपन का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा क्लोज। लेफ्ट राइट, लेफ्ट का अपोजिट वर्ड राइट। सन मून, सन का डिफरेंट क्या होता है मून। टॉल शॉर्ट, लंबा छोटा। मैनी फ्यू, दीज आर मैनी एप्पल्स एंड दीज आर फ्यू एप्पल्स, तो मैनी का अपोजिट वर्ड फ्यू। यस नो, अगर हम थम अप करते हैं दैट मीन्स येस, और हम थम डाउन करते हैं दैट मीन्स नो। रेनी सनी, फास्ट स्लो, तेज धीरे, फास्ट का क्या होता है बेटा अपोजिट वर्ड स्लो। हैवी लाइट, न्यू ओल्ड, दिस वन इज न्यू कार एंड दिस वन इज ओल्ड कार। सेम डिफरेंट, दीज आर द सेम चेयर, सेम कलर चेयर एंड दीज आर द डिफरेंट। क्लीन डर्टी, क्लीन का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा डर्टी। डे नाइट, शुगर सॉल्ट, यानी कि मीठा नमकीन। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ओके दीज आर द सम न्यू वर्ड्स। फ्रंट बैक, फ्रंट का अपोजिट क्या होता है बैक। स्टैंड सिट, स्टैंड का अपोजिट वर्ड सिट। गुड बैड, गुड का अपोजिट वर्ड होता है बैड। ओके नाउ स्टार्ट फिनिश, स्टार्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है बेटा फिनिश। ओके नाउ बेटा आवर कॉन्सेप्ट ऑफ अपोजिट वर्ड्स इज फिनिश। ओके आई होप आपने बहुत इंजॉय किया है। ओके बेटा सो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है और इन वर्ड्स को बोल बोल के रिपीट करना है। ओके बेटा फाइन, बाय बाय।